9 साल से सीबीआई, सेबी और ईडी लगे पड़े हैं एक 3600 करोड़ रुपए के चिट फंड स्कैम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आज की तारीख में एक पैसा भी इन्वेस्टर्स का वापस नहीं आया। हम बात कर रहे हैं बैसिल चिट फंड की, जो कि भोले भाले लोगों को अपने नकली चाय के बगान, फैक्ट्री और होटल दिखा के कहते थे कि यहां पे इन्वेस्ट करो आपको अच्छा खासा रिटर्न आएगा, और तो और 92 करोड़ के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तक इशू कर दिए, और यहीं पे पड़ी सेबी की नजर। सेबी ने इनको 4 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया और कहा कि जितना भी इन्वेस्टर्स का पैसा है रिटर्न के साथ वापस करो। लेकिन इसके बावजूद पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना तो दूर, इन्होंने नए इन्वेस्टर से और पैसा उठाना शुरू कर दिया। इस पे सेबी ने इनके ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगा दिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनके पास थी पॉलिटिकल सपोर्ट। फिर सीबीआई और ईडी ने बेसिल के 50 अलग अलग ऑफिस में छापे मारे, 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की, लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, कोई डिक्लेरेशन नहीं है और इन्वेस्टर्स आज भी अपना पैसा मांग रहे हैं। और पिछले 9 साल से अभी भी इन्वेस्टिगेशन चले ही जा रही है और इन्वेस्टर्स की नई नई कंप्लेंट्स आ ही जा रही है। क्या बात। अगर आपका भी बैसिल चिटफंड में नुकसान हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर बताइएगा।